एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। एक छोटी सी नौकरी। नमस्कार, रेडियो मणिदान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक गुप्ता और अब समय हो चला है हमारे वीकली पॉडकास्ट एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं का। अमित मुंबई की एक कंपनी में जॉब करते हैं, पैसा अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो थोड़े से परेशान परेशान से हैं। वजह है कि उन्हीं की कंपनी से कई लोगों को एक साथ बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये देख वो घबरा से गए हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनके ऑफिस कलीग्स और दोस्तों को नौकरी से निकाला जा सकता है तो उनके साथ भी कभी भी ऐसा हो सकता है। जॉब सिक्योरिटी को लेकर अब वो काफी चिंतित हैं। ऐसा सोचने वाले अमित अकेले नहीं है जिन्हें नौकरी जाने का डर है, बल्कि देश के करीब 80% लोग हैं जो नौकरी जाने के डर में जी रहे हैं। यह खुलासा मनी नाइन के पर्सनल फाइनेंस सर्वे में हुआ है। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक नौकरी पेशा लोगों में 24% ऐसे हैं जिन्हें नौकरी जाने का बहुत ज्यादा डर है। इसके अलावा 56% लोग ऐसे हैं जिनमें नौकरी जाने का डर तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, और केवल 20% लोग ही ऐसे हैं जिनको नौकरी जाने का कोई डर नहीं है। यही नहीं, सर्वे ये भी बताता है कि जिन 24% लोगों को नौकरी जाने का सबसे ज्यादा डर है उनके पास इतनी बचत है कि नौकरी जाने पर वे 6 महीने तक का गुजारा कर सकते हैं। वहीं जिन 56% लोगों को नौकरी जाने का ज्यादा डर नहीं है उनके पास इतनी बचत है कि 2 से 3 महीने तक बिना नौकरी के गुजारा वो कर सकते हैं। तो ये सारी बातें तो सर्वे में सामने आई हैं, और लोगों का ये डर लाजमी भी है। हमारी अगली खबर से आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों है। दरअसल भारत में गूगल के साथ साथ 6 टेक कंपनियां नौकरियां नहीं देंगी। गूगल, फेसबुक, अमेजोन और एप्पल के साथ साथ दुनिया की 6 दिग्गज टेक कंपनियां भारत में नई नियुक्तियों पर रोक लगाने की योजना बना रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक, अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स और गूगल की ओर से नौकरियों की पोस्टिंग में भारी गिरावट आई है। 2022 से तुलना करें तो इस साल इन कंपनियों की ओर से भारत में नौकरी देने के मामले में 90% की गिरावट आई है। इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कंपनियां भारत में नई भर्तियों पर रोक लगा सकती हैं। तो आज के इस वीकली पॉडकास्ट एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूं मैं में फिलहाल बस इतना ही। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉरपोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी नाइन और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी नाइन ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ अभिषेक गुप्ता, अभी लेता हूँ विदा, धन्यवाद। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। एक छोटी सी नौकरी।